नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में ब्रांड न्यू जेरोक्स मशीन लेना चाहिए या आरसी जेरोक्स मशीन लेना चाहिए, या आरसी जेरोक्स मशीन आरसी प्रिंटर होता क्या है। अगर आप कोई भी न्यू स्टार्टअप है आपका, कोई भी न्यू जेरोक्स मशीन या जेरोक्स प्रिंटर लेना चाहते हैं, तो आपके रिलेटेड कौन सा बेस्ट रहेगा, या आरसी जेरोक्स मशीन होता क्या है, और आरसी जेरोक्स मशीन में कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, कौन कौन से कंडीशन के पार्ट्स देखने हैं, और दोस्तों अभी फिलहाल में आरसी जेरोक्स मशीन का प्राइस क्या चल रहा है, जो इसके बेस्ट ऑप्शन है, जो इसके बेस्ट मॉडल है, उनके सारे की प्राइस की डिटेल आज आपको मिल जाएगी। दोस्तों आप लोगों का काफी कमेंट आ रहा था, आपसे जो चैट में बातचीत हमारी होती है कि कौन सा मशीन बेस्ट होता है, उसमें कई ज्यादा सवाल मुझे आते हैं कि आरसी जेरोक्स मशीन होता है क्या है, आरसी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, न्यू स्टार्टअप के लिए आरसी बेस्ट है या नहीं है। ये सारे बातचीत का एक जो हमने वीडियो बना दिया है, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको ये मालूम हो जाएगा आरसी जेरोक्स मशीन होता है क्या है, अगर आरसी लेते हैं तो कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, या अगर ब्रांड न्यू मशीन लेना चाहिए, और सारी प्राइस भी आपको मालूम हो जाएगी। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर से लाइक कर देना और आपके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रिंटिंग से रिलेटेड नई नई अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। दोस्तों अब आरसी जेरोक्स मशीन होता क्या है, हम शॉर्ट में बातचीत करें तो ये आरसी जेरोक्स मशीन फॉरेन से इंपोर्ट किए हुए होते हैं, और फॉरेन में जो इसका कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है वो पूरा हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है वो ऑफ हो जाता है, तो वो मशीन वो कंपनी ले लेती है और कंपनी यहाँ पे भेज देती है, और यहाँ के जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो वहाँ से मशीन उठा के लेके आते हैं और यहाँ कम प्राइस में प्रोवाइड कर देती है। कहीं ज़्यादा आरसी मशीन बेस्ट कंडीशन में भी आ जाती है, जो जैसे ही ब्रांड न्यू कंडीशन जैसी मिल जाती है। तो ये आरसी जेरोक्स मशीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आरसी जेरोक्स मशीन आपका बड़ा वाला वर्क है। अगर आप ये जो जेरोक्स बिजनेस में पहले से ही होते हैं तो आपको ये आरसी जेरोक्स मशीन लेना चाहिए, और ब्रांड न्यू स्टार्टअप में मशीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ब्रांड न्यू और आरसी में क्या डिफरेंट होता है। दोस्तों अगर आप कैनन की या कोई भी ब्रांड की 50 कॉपी पर मिनट 60 कॉपी पर मिनट की मशीन लेने चाहते हो तो ये 2.5 लाख से 5 लाख 6 लाख तक आपको अच्छी मशीन मिल जाती है विद शॉर्टर के हिसाब से। तो दोस्तों यही आरसी मशीन आपको 1 लाख 1.5 लाख यानी कि 2 लाख तक आपको बेस्ट मशीन मिल जाती है, और बेस्ट कंडीशन भी मिल जाती है, और अच्छी सर्विस भी प्रोवाइड हो जाती है। तो दोस्तों ये आपका बजट कम है तो आप आरसी की तरफ भी जा सकते हैं। और दोस्तों मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, कोई भी बात चेट होती है तो भी बताता हूँ कि अगर आपका न्यू स्टार्टअप है तो आप आरसी की तरफ मत जाइए, क्योंकि आरसी का आपका जो मेंटेनेंस है वो आपको मालूम नहीं होता है, आपका स्पीड कॉपी स्पीड कम आ जाती है, तो आप कोई भी प्रिंटर की ओर भी जा सकते हैं। एचपी का नेवर स्टॉप आ गया, क्योसेरा भी अभी ब्रांड न्यू चल रहा है। और दोस्तों ये ब्रांड न्यू और आरसी मेंटेनेंस के बारे में बात करें तो जो आरसी मशीन होता है वो कंडीशन आप कौन सी कंडीशन में ये मशीन बाय करते हो उसके हिसाब से होता है। आरसी मशीन थोड़ा बहुत जो इसका मेंटेनेंस होता है वो ज़्यादा आ जाता है, और ब्रांड न्यू में कंपनी पैक मशीन आ जाता है, सारे पार्ट्स ओरिजिनल होते हैं और यूज़ किए हुए नहीं होते हैं, आप आके ही यूज़ करते हो तो ये थोड़ा बहुत वर्क करने के बाद इसका जो है मेंटेनेंस आ जाता है। दोस्तों ये आरसी और ब्रांड न्यू जेरोक्स मशीन की बात हो गई। अगर आप आरसी जेरोक्स मशीन जो इसके बाय करते हो तो आरसी जेरोक्स मशीन में क्या देखना है, इसकी कंडीशन तो पूरी सी कंप्लीट होती है, उसके जो मेन पार्ट्स होते हैं ड्रम होता है, डीपी यूनिट होता है, इसका मिरर होता है, ये सभी को आपको ठीक से चेक करना है, सारे इसमें गेयर आ जाता है वो इसका जो गेयर और सारे पार्ट्स में कितने जम्स लगे हुए होते हैं, कितना टोनर होता है, ये सारे पार्ट्स देख के आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं, इसकी बेस्ट कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन है, या ए प्लस कंडीशन है, यानी कि फर्स्ट आरसी मॉडल है या नहीं है, ये सारा मशीन का आप पार्ट्स देखते हो तो उसमें जम्स लगा हुआ कितना होता है, ये पार्ट्स सारे क्लीन है, और इसकी कॉपी हम व्हाइट कॉपी निकाल भी चेक कर सकते हैं, ब्लैक कॉपी निकाल के भी चेक कर सकते हैं, और मशीन का जो वर्क करता है मशीन वो कितना स्मूथ कर सकता है, वो ये सारे मॉडल में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, इसका ड्रम होता है,
जो 5050 मॉडल आता है, 5075 मॉडल आता है, 6000, 6570, इसका ड्रम होता है, वो ड्रम भी आप चेक करके इसकी कंडीशन देख सकते हैं। और दोस्तों जो लोग ये आरसी मशीन यूज करते हैं उसको तो आरसी मशीन देख के मालूम हो जाता है। अगर आपका न्यू स्टार्टअप है तो ये सारी बातचीत आप देख सकते हैं। और दोस्तों आरसी मशीन परचेस करने के बाद आपको इसका सर्विस होता है, वो सर्विस मायने रखता है, इसका सर्विस है वो मायने रखता है, जो इसका डीलर होता है वो इतना सर्विस आपको प्रोवाइड कर देता है। और दोस्तों आज ये आरसी मशीन और ब्रांड न्यू मशीन के लेके सारा जो हमने जो बातचीत है ये वीडियो में शामिल कर दी है। अगर कोई बातचीत रह गई हो, अगर आप कोई भी अपना सुझाव देना चाहते हैं, कोई भी बातचीत जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता देना। और दोस्तों आज प्रिंटिंग से रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए और कोई भी जेरोक्स मशीन का प्राइस आपको जानना है कि करंट प्राइस क्या है, आपके डिस्ट्रिक्ट से हिसाब के लिख के हमें आप कमेंट कर सकते हैं, और डिस्ट्रिक्ट और कौन से मॉडल की प्राइस जाननी है वो लिख के आप कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपका कोई भी सुझाव है तो मुझे कमेंट करके अवश्य बता सकते हैं। और दोस्तों आज का ये प्रिंटिंग से रिलेटेड वीडियो आपको कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा, तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रिंटिंग से रिलेटेड नई नई अपडेट आपको मिलती रहे। और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिएगा।